तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू पहाड़ी भावना व्लॉग्स। तो गाइस, आज हम पहली बार जाने वाले हैं कहाँ नाम था उसका, पहाड़ी मेले में जाने वाले हैं हम। और गाइस, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मम्मी तैयार तो हो रखे हैं, नहा लिया वहा लिया, और अभी मम्मी प्रेस कर रही है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, अब वहाँ पे देख सकते हैं मम्मी पूरा प्रेस कर रही है। और अभी हम जाएंगे पहाड़ी मेले में, और मैं अभी तैयार हो गया हूँ। देखो बाल वाल, लेकिन जो टी शर्ट देख रहे हो बाउंडर ला दूंगा टी शर्ट पहन के बाउंडर। तो अभी मम्मी और हम प्रिंस साहब ये वाली टी शर्ट पहनोगे ना? नो, यस 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 यस। और गाइस यहाँ देख सकते हो भाई, क्या ही टेक्सचर है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, क्या टेक्सचर है। देखो भाई, मम्मी बोल रही है आयरन नहीं मारना, हम मारेंगे। मत करो ऐसे भाई, अरे मेरे हाथ पे मार दिया मम्मी ने। देखो भाई, डर लगी यार, मैं खुद ही भूल गया, बहाने कैसे बनाऊंगा। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि क्या बोल रही थी, मैं भूल ही गई। खुद ही भूल गई। भानु, भानु क्या कर रही है? प्रिंस वो कुशन ना क्या उस पर लगा दे, सोफे के कुशन, सोफे के कुशन किधर है? वहाँ बेड पे रखी। देखो गाइस, आज हमको भी काम सौंप दिया गया है, अब हम अपना काम करते हैं। इसको इधर लगा देते हैं, इसको उधर लगा देते हैं, और इसको इधर लगा देते हैं, और इसको लगा देते हैं इधर। गाइस, ओ माय गॉड, वाह। मम्मी तैयारी हो गई, जल्दी चलनी है। फूक गई यहाँ से, देख जरा। क्या फूक गई? देख जरा, ये देख, झुन सी आग लग गई। आपको कैसे पता? अरे यार मेरे सामने ये देखना, ये क्या हुआ है? ये अभी आ रही हूँ जरा, मैं थोड़ा सा मैं भालू के उसमें कर दे रही हूँ। ताज, इतनी गंदी बदबू आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत भयंकर जब आग लगती है ना। अरे तो इसकी वायर जल गई ना, वो ये तो चल गई, 4-5 साल तो चली गई। खुश हो रही है मम्मी, बहुत खुश हो रही है गाइस। कुछ नहीं हो रही, नुकसान हो गया, ओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये अंकल जी कौन है? अंकल जी अंकल जी चाय प्रेस पूरी देखो टूट गई, यहाँ से जल गई पूरी, ये देख। पता नहीं इसमें अंदर वो हो गया होगा ना, स्पार्क हो गया होगा, क्योंकि ये बार बार ऐसे मुड़ जाता है ना, ये जो मुड़ने से उसकी तार वो हो जाती है, स्पार्क हो गया और कुछ नहीं। ए, इसमें तो कुछ नहीं हुआ ना, इसमें इलेक्ट्रिक। अच्छा, उसमें कुछ नहीं हुआ, चल ना शॉर्ट सर्किट हो जाता। कड़ी चावल खा के जाओगे? चलो उसने पकौड़े भी बने। हाँ पकौड़े बनाए मैंने। ये मुँह छुपाने वाली बच्ची। चल मैं भी अपनी साड़ी वाड़ी निकाल ले, तू प्रिंस तू भी अपने कपड़े पहन ले। I am ready, guys. अंडरगार्मेंट्स ले लो फटाफट। कपड़े अच्छे चूज किए हैं। ये है डेली वेज की साड़ियाँ, तो इनमें से तो मैं कोई पहन के ले जाने वाली हूँ नहीं आज। आज ये सब डेली वेज की साड़ियाँ रखी है, पर मैं पहन रही हूँ ये वाली, जिसे मैं पहले शादी में भी पहन चुकी हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है, तो मैं यही वाली साड़ी पहन रही हूँ आज। साड़ी पहन के जाना है, और ये ओढ़ना है हमने पहाड़ी स्टाइल वाला, अपना जो हमारा जो पहाड़ी कल्चर है वो, ये पिछौड़ा, तो ये वाला पिछौड़ा ओढ़ के जाऊंगी। चलो तैयार हो जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हेलो हाय गाइस, तो आज है हमारे पहाड़ियों का मेला। स्पेशली मैं अपनी जिंदगी में दिल्ली में पहली बार पहाड़ी मेला देखूंगी, हमारे साइड जो मेला लग रहा है। और ये है फुलदेही, जो अभी चैत के महीने में त्योहार आता है उसके लिए जो लग रहा है, और हम वहाँ पे जा रहे हैं। पूरा अपना पहाड़ी ट्रेडिशनल ये पिछौड़ा है, इसको पहाड़ी में जो पहाड़ी हमारा मतलब है, इसको पहन के जा रहे हैं हम लोग साड़ी में। बाकी आप नथ वगैरह सब कुछ अपना पहाड़ी गहना पहन के जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा डर लगता है। और चलो, मेरी देवरानी भी तैयार हो गई है, उसको भी पिछौड़ा विछौड़ा पहना दिया है, और बच्चे नीचे रेडी हैं, और मेरी देवरानी की भी एक फ्रेंड आई हुई है क्योंकि उनको भी देखना है। और मतलब जो जिनके साथ हमने जाना है, उन्होंने बोल दिया था कि पहाड़ी बैंड बाजा रहा, उसके साथ में चलना, तो आई थिंक कि शायद बैंड बाजा निकल गया या पता नहीं, हम लोग लेट हो गए। और आज बहुत खुशी का भी दिन है कि अगर पहाड़ी बैंड बाजा हो सकता है नाचूं, क्योंकि आज मैं बन चुकी हूँ नानी। मेरी भांजी है, वो गई थी कल से हॉस्पिटल में, एडमिट हुई थी, उसकी डिलीवरी थी, तो अभी अभी जस्ट मेरे हस्बैंड का कॉल आया है कि उसको बेटी हुई है। तो बहुत खुशी का दिन है कि लक्ष्मी के पैर भी आज के दिन में आए हैं, और अच्छी बात है लड़की हुई है। बहुत खुश हूँ कि उसको उसका ये पहला बेबी है और लड़की हुई है,
और अच्छे से। तो अब मेले में चलते हैं, देखते हैं। बैंड बाजा पता नहीं निकल गया कि अभी मिलेगा, पता नहीं हम लोगों को। चलते हैं, देखते हैं। दिनेश अभी नहीं आया, क्रिकेट खेलने गए। तेरी मम्मी वो सब चले गए? नहीं अभी रुके तो हैं। और बैंड बाजा अभी नहीं, वो अभी नहीं आए। वो अब निशु की डिलीवरी हो गई, वहीं पे अभी आएंगे शाम, लेट आएंगे आज मुझे लग रहा है इस चक्कर में। चलो फिर रजू आ जाओ। कोई नहीं, दिख रहा सब पहुंच गए। ये जा रही है हमारी टीम, ये है सिस्टर आंटी। ये बिना पिछोड़े के आई है ना, पिछोड़ा ओढ़ने में शर्म लग गई। बल तीन पिछोड़े हैं, बल ओढ़ने में शर्म लग गई। बल हम जा रहे हैं और पीछे वाली आंटी की मम्मी, और वो दिख रहा नहीं था आंसू की मम्मी, वो देखो। अरे अरे रास्ते में पहुंच चुके हैं पैदल पैदल। ये हमारे यहाँ की लोकल मार्केट है। मम्मी आगे से मैं चिची ले लूंगा। हमारे यहाँ का शनिदेव जी का मंदिर, यहाँ हम तेल चढ़ाने आते हैं। ओ बाबे रे, ऑटो वाले हमें उड़ाइयो। और ये है भगवान जी की मूर्तियाँ मिलती है यहाँ पे, ऐसे ये यहाँ पे फूल मिलते हैं। ऑटो यहाँ पे दिन भर ऐसे ही भगते रहते हैं। और यहाँ पे है स्वेटरों की मार्केट, यहाँ पे खूब सारी स्वेटरें बिकती रहती है। ये देखो ये जा रहे हैं पहाड़ी टोपी पहन के, वो अंकल जी। और इसके अंदर हो रहा है, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे जो पुलिस है वो भी है उत्तराखंड से ही। और अब हमारी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे, तो पहुँच गए हम अपने कुमाऊँ के मेले में। और फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमें बहुत गर्व का एहसास हो रहा है कि चलो हमारे पहाड़ी ट्रेडिशनल को लोग ना भूले उसके लिए। और फूल धेई क्षमा धेई के ऊपर ये ट्रेडिशनल ये जो है रखा गया है, तो उसके लिए और अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये फूल धेई क्षमा धेई के ऊपर है, तो इसलिए चारों तरफ फूल दिखाए गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं कि इधर लेडीज का और इधर जेंट्स का है। टिकट लेनी है क्या? नहीं, अच्छा अलग अलग सामने अंदर है। अच्छा चलो देखते हैं। ये सब अपनी अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं भाई यहाँ पे। आंटी आंटी मास्क उतार रही है ना, तभी तो फोटो यहाँ पे। ये पहाड़ी उत्तराखंड के लिए टोपी, ये अलग अलग वैरायटी की टोपियाँ रखी हुई है यहाँ पे। और मेथी है, और ये शायद चौलाई, ये क्या चीज है? सरसों? नहीं चौलाई 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 चौलाई। हाँ यहाँ पे जो चौलाई मिलती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन ये देखो ये बहुत बड़ी बड़ी सी है। और ये पहाड़ी दाल है सारी, ये सारी। और ये भट है, ये उत्तराखंड की बहुत फेमस दाल है, बहुत ज्यादा फेमस है ये दाल। तो अभी उत्तराखंड की ना बहुत सारी चीजें। भैया ये लकड़ी किस चीज की है? ट्यूमर की लकड़ी है। ट्यूमर इससे क्या करते हैं? इससे घर में लगाते हैं, घर के आगे। अच्छा, हम खुद उत्तराखंड के होके हमें बहुत सारी अपने उत्तराखंड की चीजों के बारे में नहीं पता है। ये अलग अलग मसाले बनाए गए हैं, सबके बारे में नहीं पता। ये यहाँ पे जखिया आया है जो कि छौके के लिए लगता है, तो ये जखिया बहुत है। ये जखिया है और इसका जो है तड़का लगता है सब्जी में। और ये उत्तराखंड में मोस्टली उत्तराखंड के लोग बहुत जानते हैं, और लोग जगह के लोग नहीं जानते हैं। और ये मंडुआ की वो है नमकीन। अच्छा ये मंडुए के आटे की, जिसको बहुत से लोग रागी के नाम से जानते हैं, ये उसकी नमकीन है। ये नमक है गांव का। अच्छा ये पहाड़ी नमक, ये बहुत फेमस है भाई, ये तो अब विदेशों में भी जा रहा है। कितने का है ये पहाड़ी नमक है? और ये क्या चीज पीस के रखा हुआ है? ये क्या है? ये भी नमक है? अच्छा सौंठ है, ये सौंठ ले जाएंगे। ये जखिया है, और ये काली सरसों, सरसों काली सरसों है। उत्तराखंड के बहुत सारे मसाले हैं जो हमें पता भी नहीं है। अच्छा 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 अच्छा
ये बहुत है, ये जब किसी को पथरी होती है तो उसमें भी ये दाल बहुत काम आती है। और ये है अरसे जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं भाई। बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड की डिशें देखकर, बहुत लॉन्ग टाइम बाद हम लोग ऐसे देख रहे हैं। और हम दिल्ली में रह के अपने रीति रिवाजों को, अपने उत्तराखंड की चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है कि हमारी जो ट्रेडिशनल है उसको कोई तो इस तरीके से आगे बढ़ा करके ले जा रहा है। ये चावल के बने हुए हैं, ये सब खाए जाते हैं, ये सब चीज़ अलग अलग चीज़ें हैं। ये एक मीठी डिश है और बहुत अच्छी टेस्टी होती है खाने में। खा लो फिर। अभी ये उत्तराखंड की टोपियाँ यहाँ पे लोग देख रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये है उत्तराखंड की फेमस मिठाई, बाल मिठाई। मोस्टली ये अल्मोड़ा मार्केट की बहुत फेमस है, तो अब तो पूरे उत्तराखंड में मिलती है, लेकिन जो फेमस है वो अल्मोड़ा की ही है। ये हल्दी है, ये हल्दी है, अच्छा ये मिक्स मसाला। और ये दाल कौन, एक्सक्यूज मी सर, ये दाल कौन, ये लोबिया की दाल है, लोबिया की दाल। ये क्या चीज है? ये बाल मिठाई उत्तराखंड की खाने के लिए टॉप मिठाई है। रेट 190 आधा किलो, 190 190 190 के आधा किलो। ये 1 किलो का पैकेट है, मडवे का आटा 1 किलो का पैकेट 60 रुपए का, रागी का आटा जो होता है, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदेफुल और फायदेमंद है। आई थिंक इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा, तो इनके जो नथ वगैरह थी वो खो गई है बता रहे हैं, तो ये दूसरा यहाँ पे लेने आई हैं। सर ये बिस्किट किस किस के हैं? ये वाले आटे के बिस्किट हैं। और यहाँ पे जो है उत्तराखंड की जो नथे हैं वो ये गोल्ड की नहीं है, आजकल जो नकली चल रही है ना वो खूब यहाँ पे दिखाई देखी जा रही है, खूब सारी सुंदर सुंदर सी हैं, वैरायटीज हैं अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो उत्तराखंड की जो ज्वेलरी है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। हाँ ये नथ का डोर है, ये है नथ का डोर, वो है ना गालहड़ी में, क्या गालहड़ी में डोरा वाली मिठाई चाहिए मुझे, वाली मिठाई मैं लास्ट में आपको सब कुछ दिलाऊंगी, बस अभी देख लो अभी। और ये है बांस की टोकरियां, आप ले लो, आप देख लेंगे यार, अभी तो ये दी है, ये नथ है। और ये आटे के बिस्किट है, बहुत सारे यहाँ पे जूसेज हैं भैया, सही लगा, बहुत सारे जूस हैं। कितने का दिया ये गुलोबंद आपको? 400 का। 400 का इससे कम नहीं किया ना? 100 वाले खत्म हो गए, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, एक सेकंड। 100 वाले कह रहे खत्म हो गया, तो ये 400 का है, देखने में असली लग रहा है मगर अच्छा है। ओरिजिनली पहाड़ी लोग पहले से गोल्ड का ही पहना करते थे, ये अब चल गया है। देखो आते ही सब लोग टूट पड़े। यहाँ स्टॉल बहुत कम लगे हुए हैं, लेकिन मैंने मोस्टली देखा है कि स्टॉल बहुत सारे लगते हैं यहाँ पे, बस अभी गहने वगैरह देखे जा रहे हैं। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जाए, हमारा उत्तराखंड का बहुत चर्चित लोक गायक कलाकार सुधीर पंजी, उनका माध्यम से उनका डायरेक्शन में प्रोग्राम होना चाहिए। और किशन महिपाल जी, दीपा पंथ, ये देखो पहाड़ी टोपी पहन के, अब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। मेरी देवरानी कह रही है चलो चलो, फिर जगह गिर जाएगी, तो इसलिए अंदर जा रहे हैं हम लोग। चलो नहीं जाती, चलो ये रोज है, हमने अपने चलो अब चल रहे हैं अंदर, कृपया ताकि हमारे मुख्य अतिथि आए तो प्रद्युम सॉलिड चल, देख लो कितना सुंदर लग रहा है, लोग आके बैठ चुके हैं। मेरा बस दर्शक बैठने की व्यवस्था करें, उन्हें प्रदान करें, कुछ ही क्षणों बाद चार चार मरने वाले हैं। Thank you.
यहाँ पे बाहर से इसके पापा आए हुए हैं, अब हम उनको ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पे हमारे सांसद आए हुए थे दीदी जी, और वो जा चुके हैं पहाड़ी बैंड बाजे के साथ, और हम लोग तो बैंड बाजे के साथ आ नहीं पाए। मास्क मेरे बैग में है, जल्दी पहन ले, पापा गुस्सा हो जाएंगे। भानू के बैग में तो नहीं है, भानू से मांग जल्दी से। और अब उनको ढूंढते हैं, यहाँ पे उनको मिल जाएंगे। चाची वो पीछे रहेगा, चाची उनको भी ले लो, आ जाओ। पानी पी लो, पानी पी लो। पापा कहाँ है? पापा को ढूंढेंगे, मास्क पहन पहले, पापा को ढूंढने से पहले नहीं हमारी डांट पड़ेगी। भानू का है, भानू का है, बन गई वो। अभी रुक जाए यार, तू क्यों चिल्लाता है? ओ तेरी पहाड़ियों वाली टोपी ले ली, यहाँ कितने के लिए है? 200 से 200 अच्छा, और दूसरे डिजाइन कोई पसंद नहीं आया? ओ तेरी, या नहीं यहाँ पे? चलो ठीक है यार, ये यहाँ पे ब्रेड पकड़ो, यहाँ पे ब्रेड खाओ, के यहाँ पे पूरा 15 रुपए का ब्रेड पकड़ो, अपने घर जाके खा लेंगे, वहीं से लेके वहीं से खिला देंगे। चलो सही बता रहा, मेरा आंसू निकल गए, इतना मम्मी ने गरम में अंदर रखा, गरम के रखा हुआ है बच्चे ने। अब क्या स्टार्ट हुआ था, हम बाहर हैं, लेना कुछ है? मुझे कुछ नहीं लेना, चलो लेना है, चलो कुछ नहीं है यहाँ पे, भी ले लो। बच्चे वो है, चाची वो है, चाची उधर खड़ी है, चलो। तो यहाँ से हम पापा हमको, मेरे भाई और मेरे को दिला रहे हैं पहाड़ी टोपी। तो गाइस इसी बात के लिए बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में, जय उत्तराखंड। और गाइस अंदर ना बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ ना, हम उधर से पहले आ गए। अब आप सोच रहे होंगे क्यों आए, क्योंकि गाइस अंदर ना बहुत गर्मी हो गई थी, और गर्मी के मारे ना नम्मू और हम दोनों ना रोने के लिए एकदम हमारी आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए ना बाहर आ गए। और हम ना मम्मी से पहले चले गए, क्योंकि ना मम्मी ये पहली बार गई थी ऐसे मेले में जहाँ पे हम पूरा हमारा कल्चर हो, तो यार मम्मी ना उधर थोड़ा और रहना चाहती थी। तो पापा बोल रहे थे कि चल, लेकिन फिर मम्मी ने बोल रही थी कि अभी मैं आ जाऊंगी, तो फिर हम चले गए। और गाइस जब हम इधर आ रहे थे ना, तो भाई हम सोच रहे थे भाई कितना बड़ा मेला होगा, पर गाइस वही होता है ना, जितना सोचते हो उतना नहीं निकलता है। और भाई ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी, बिल्कुल पूरा स्पैम कर दिया यहाँ वालों ने हमारे साथ। मिल रहा है ब्रेड पकौड़ा 15 रुपए का, तो इसलिए हम खाएंगे अपने घर के पास जाके 10 रुपए वाला ब्रेड पकौड़ा। चलो अब वो कहा साक्षी की मम्मी और पिष्टा आंटी, अब हम जा रहे हैं घर को, क्योंकि नित्या को और मुझे डांस करना था, पर किसकी मम्मी बोल रही है चलो घर अब डांस नहीं करना। अगर मेरे देवर जी होते ना बड़े वाले, तो वो और मैं तो जरूर करते, और मेरे हस्बैंड को तो कोई शौक नहीं, वो तो उल्टा बोलते थे पागल है क्या, डांस वांस कुछ नहीं करना। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। ओके।